नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए मैं कंटिन्यू पिछले सोमवार, मंगलवार, आज कल बुधवार होगा तो दो तीन दिन से मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं कि भाई अगर बहुत छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करना, इस लालच में मत फंसना कि मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से अप डाउन या डाउन साइड का मूव दे रहा है, अप साइड का मूव दे रहा है, यहाँ पर आपका पैसा बनेगा। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका पैसा नहीं बनने वाला, ये ध्यान रखिएगा। जब तक देखिए ऑप्शन का प्रीमियम बहुत हाई है ना, तो प्रीमियम में बढ़ना मुश्किल है। मान लीजिए अगर ये 560 रुपये यहाँ पे चल रहा है बैंक निफ्टी, कल अगर एक जगह पे एक घंटे रुक जाएगा ना, तो ये 560 वाला प्रीमियम आपको 470 मिलेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी अगर इसी 50 पॉइंट की रेंज में, मान लो 650-750 के बीच में एक डेढ़ घंटे घूम गया ना, ये प्रीमियम कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि कल का ही होप है। कल के लिए लोगों ने यहाँ पे जो प्रीमियम ऊपर चल रहे हैं, प्रीमियम हाई चल रहा है, वो कल के होप में चल रहा है कि कल बजट में कुछ ऐसा आएगा कि डायरेक्शनल मूव हमें ऊपर की साइड का मिल जाएगा या डायरेक्शनल मूव हमें नीचे की साइड का मिल जाएगा, इसलिए ये प्रीमियम हाई चल रहा है। तो इस वेट में देखो कहीं ना कहीं तो मार्केट जाएगा ही, तो सबको पता है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मुझे ये नहीं पता कि कहां जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा इस स्पीच के बाद, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मार्केट करेगा। लेकिन इस स्पीच में देखिए, स्पीच के दौरान अगर आप शांति से बैठे रहेंगे ना, तो मेरे ख्याल से जब एक बजे स्पीच खत्म होगी उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव आपको मिलेगा, तो छोटी सी क्वांटिटी से आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। स्पीच के दौरान आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, या आजकल में हम लोग पकड़ने की कोशिश अगर करेंगे ना, तो हम यहां पे ट्रैप ही होंगे। ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक एक कैंडल, एक एक मिनट की कैंडल ना 100 पॉइंट ऊपर और वही कैंडल 100 पॉइंट नीचे, यानी 5 मिनट में तो आपको चार्ट बहुत अच्छा दिखेगा कि 5 मिनट में बहुत अच्छा ऊपर गया, लेकिन 5 मिनट में वो 150 पॉइंट ऊपर भी गया, 150 पॉइंट नीचे भी गया। इसमें क्या करेंगे, हो सकता है आप यहां पे बाइंग करें, डर के मारे यहां पे निकल जाएंगे, नहीं डर के मारे निकलोगे तो मार्केट और 150 पॉइंट नीचे आएगा, अगले यहां आपको निकाल देगा। निकालना तो है, मार्केट कहीं ना कहीं आपको निकाल के ही सांस लेगा, यहां पे निकाल के ही दम लेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि शांति से बैठे रहो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है, अगर आपने पैसे बचा के रखे हुए हैं तो हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिले, नहीं तो इस तीन दिन के अंदर में बहुत सारे ट्रेडर जो होंगे, ऑप्शन बायर होंगे, वो साफ हो जाएंगे। चीज़ों को समझो, मैं 7-8 साल से ऑप्शन में कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ों को समझता हूँ, वही आप लोग को बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हर दिन हमें ट्रेड ही करना है, शांति से बैठो, मार्केट को देखो, मार्केट के रिएक्शन को देखो। बाहर बैठ के देखना बड़ा आसान लगता है, लोग को लगता है यार इतनी अच्छी अच्छी कैंडल बन रही है, ये बोल रहा है कि बाइंग मत करो। खासतौर से मेरा एनालिसिस तो यही है ऑप्शन बाइंग के लिए, देखिए ऑप्शन सेलर आप हैं तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। कल तो समझ लीजिए प्रीमियम डीके होगा और बहुत तेजी से प्रीमियम कल डीके होगा, जैसे जैसे स्पीच खत्म होती जाएगी ना, वैसे वैसे प्रीमियम भी यहाँ पे डीके होता जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, भाई खुद तो बताते हो, खुद कर, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, देखिए आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, शांति से मैं बैठा हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ, मार्केट का इंतजार कर रहा हूँ, मार्केट की सपोर्ट रेंज, रेजिस्टेंस रेंज, ये सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ, मार्केट के रिएक्शन को देख रहा हूँ, मूव को देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेड हर दिन नहीं करता, मैं बार बार बोलता हूँ हर दिन ट्रेड करने से पैसा यहाँ पे नहीं बनता है, पैसा बचाना आपको आना चाहिए कि किस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। मैंने पहले बता दिया है, या मुझे जो लोग फॉलो करते हैं 4-5 साल से मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं इवेंट को ट्रेड नहीं करता हूँ, मुझे इवेंट सूट नहीं करता है ना, मुझे बैंक निफ्टी वो 300-500 वाली रेंज में ट्रेड करता है ना, मैं वहाँ से 150-200 पॉइंट बड़ी आराम से निकाल लेता हूँ। जो काम मैं आसानी से कर लूँ ना, वहाँ पर मैं ट्रेड करूँ, जिसको मैं नहीं समझा वहाँ पर समझने की कोशिश। अब इस तीन दिन के लिए मैं समझने की कोशिश क्यों करूँ कि मेरे पास 210 दिन है यार, तो किसी इवेंट के दिन, इवेंट के 3-4 दिन पहले और एक दिन बाद में मैं ट्रेड करने के लिए क्यों फंसूँ, वहाँ पर मैं रिसर्च करने नहीं बैठता हूँ। चीज़ों को समझिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा लोगों को लगता है कि यहाँ पर बनता होगा, ऑप्शन बायर का सबसे ज़्यादा पैसा जाता ही यहीं पर है। मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, सारी चीज़ें करके देख ली हैं, छोटे छोटे चीज़ें जब शुरुआत में मैंने की है तो यही सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता था। हाँ, अगर आप इक्विटी कर रहे हो बहुत अच्छा है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स कर रहे हो, इंडेक्स का फ्यूचर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ पे कल 1 बजे के बाद का कुछ प्लान करूंगा, या फिर एक्सपायरी वाले दिन के लिए मैं बैठा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन ही मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, वहाँ पे जो बनेगा ठीक है, वहाँ पे जाता है तो मुझे मालूम है कि इस रेंज के अंदर में जाएगा, यहाँ पे मुझे वो रेंज ही नहीं पता। हो सकता है 2-1 मिनट में ही ये 300 पॉइंट 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता है, अगले मिनट भी वो 300 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना या फिर एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करने ही नहीं बैठूंगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग मानेंगे नहीं, वो ट्रेड करेंगे ही करेंगे, मुझे बोलेंगे यार भाई तू ज्ञान मत दे, तू चार्ट बताता है, चार्ट बता दे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को चार्ट में सारी चीज़ें जरा समझा देता हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो। डेली चार्ट पे तो सेम तरह की सिचुएशन है, अभी कुछ खास डेली चार्ट पे हुआ नहीं, डेली चार्ट पे हम 2 दिन से क्लोज जरूर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सी थ्योरी है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आप ढूंढ लेना करना है कि नहीं करना, मैं ये यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ये देखिए जहाँ से हमने ये गिरना स्टार्ट किया था, इस एंड जो ये पहला मूव हमें मिला था ना, उसके पास हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और कंटिन्यू यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे हम होल्ड कर रहे हैं, ये दिखने में छोटा दिख रहा है, ये 400 पॉइंट की रेंज है। ऐसे हम जब रेंज बनाते हैं तो हमारे पास 100-150 पॉइंट की, ये 400 पॉइंट की रेंज है। इसमें कितनी बार आपका ट्रेड मिलेगा जाएगा, हर 100 पॉइंट पे ट्रेड निकालेगा और यहाँ पे आपको बाहर भी करेगा, एसएल भी करेगा, सब चीज़ें करेगा मार्केट। तो ये 400 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज के बाहर अगर मार्केट निकले, देखो शुरुआती आधे घंटे मार्केट अपने ठीक ठाक ट्रेड करेगा, उसके बाद बजट स्पीड पे वो ट्रेड करेगा। तो यहाँ पे नज़र बना के इस जोन के आसपास निकलता है तो हो सकता है ये यहाँ पे जाए, पहला टारगेट यहाँ पे हो सकता है 41,100-41,150 का ले,
ठीक है, उसके बाद अगर इस लेवल को निकालता है तो फिर उसके लिए जो अगला जो टारगेट मिल सकता है वो मिल सकता है ये 41,400 41,500 का, यहाँ तक जा सकता है। अगर इस रेंज के नीचे कंटिन्यू, देखिए रेंज के डिप मारे तो ट्रेड मत करना, ये ध्यान रखना, कम से कम वहाँ पे एक दो मिनट 100-200 पॉइंट की कैंडल बनेगी, बनने देना। जब एक दो मिनट कम से कम ऊपर की साइड में आपका जो भी आपने रेजिस्टेंस निकाला ना उसके ऊपर कम से कम थोड़ी देर ये ट्रेड करना चाहिए, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसके ऊपर टिका रहना चाहिए, तभी ट्रेड वहां पे लेना। अब एसएल अपने रिस्क के हिसाब से लगा लेना। एक चीज और ध्यान रखना कि 50 पॉइंट और 100 पॉइंट के एसएल यहां पे चलने वाले नहीं है, तो आपको एसएल बड़े ही लगाने पड़ेंगे, या तो फिर रेंज का लो एसएल लगाओ, इतना बड़ा ले सकते हो तो ट्रेड करो, नहीं तो शांति से बैठे रहो वहां पे। अगर इस रेंज के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है तो बैंक निफ्टी पहले यहां पे 200 के पास में आ सकता है और उसके बाद फिर से ये 40,000 का लेवल यहां पे दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि इस रेंज में ओपन होने के बाद में किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहे और फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच खत्म होने के बाद रेंज को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आपको यहां पे बैंक निफ्टी दे सकता है। लेकिन फिलहाल मैं यही आप लोग को बोलूंगा कि रेंज के अंदर में हो या फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से पहले ट्रेड मत करो, शांति से बैठे रहो। 1 बजे के बाद अगर कोई ट्रेंड मिलता है तो वहां पर ट्रेड करो, या फिर गुरुवार के लिए आप तैयार बैठे रहो, वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा ट्रेड आप लोग के लिए जरूर मिलेगा। लेकिन शांति से बैठे रहोगे तब इसी में खिचड़ी में जाके पैसे कमाओगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है चीजों का। अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।